अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, तो आज इसी हिसाब से हम बनाने जा रहे हैं टाइम लैप्स। टाइम लैप्स बनाने के लिए आपके पास अगर कोई DSLR कैमरा मौजूद नहीं तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो हम टाइम लैप्स बनाएंगे वो अपने स्मार्टफोन से बनाएंगे। तो स्मार्टफोन जो भी है वो हमने थोड़ा पुराने मॉडल का लिया है ताकि हम आपको उससे एक अच्छा टाइम लैप्स बनाकर दिखा सकें। और टाइम लैप्स बनाने के लिए आज जो हमने मोबाइल यूज़ किया है वो कौन सा है और ये भी आपको दिखाएंगे, और टाइम लैप्स कैसे बनाते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों, अभी जिस मोबाइल से हम टाइम लैप्स बनाएंगे, ये हमारे पास सैमसंग का S9 है, Galaxy S9। तो इससे हम आज जो है वो टाइम लैप्स बनाएंगे। वैसे तो ये मोबाइल अभी मार्केट में आया, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन इसमें जो रेजोल्यूशन क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और इसका जो रिकॉर्डिंग है वो 4K में भी ये करता है। तो इसके लिए हम S9 यूज़ कर रहे हैं जी। दोस्तों, मोबाइल हमने अपना जो है वो उस ट्राईपोड पर लगा लिया है, तो अब जो है हम इसके कैमरा मोड में जाएंगे। तो इसके बाद जो हम इसकी मोर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हाइपर लैप्स है, तो सैमसंग के काफ़ी सारे मोबाइल में हाइपर लैप्स का ऑप्शन होता है, अगर नहीं है तो उसके लिए एक ऐप भी होती है, तो ऐप के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो रिकॉर्डिंग से पहले हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से इसकी जो रेजोल्यूशन है वो हम 4K 60 FPS कर देंगे। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो लगा दी है मैंने, तो अब हम जो है 15-20 मिनट बाद यहाँ पर वापस आएँगे तो देखेंगे कि इसने क्या रिकॉर्ड किया। दोस्तों, काफ़ी देर हो चुकी है इसे, ये देखते हैं, हमें 15 मिनट जो है वो रिकॉर्डिंग लगे हुए हो चुके हैं और 15 मिनट में इसने 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग की है। तो अभी देखते हैं ये क्या चीज़ रिकॉर्ड हुई है।